Jules Price gets up and laughs. So because of the Mary Studio Chamber. The friends ask his video with Hum Banana Girl, Super Clay Jimmy, and Sigurd's Donuts. Our friend Ruin is Super Clay having Naya purchased here 1-2 days pehle, and us mein bahut sari cheeze banayi. Uska unboxing ka video nahi banaya tha, friends. क्योंकि वो ऐसे ही मतलब कुछ रीजंस के कारण नहीं बन पाया था उसका वीडियो. और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम उसे बनाए जा रहे हैं डोनट्स. और फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने उसके ना उससे ना 2 डोनट्स बना लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. और फ्रेंड्स ना अगर आप चाहते हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली है 2 दिन में ही इनसे. और फ्रेंड्स अगर आप वो सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. और फ्रेंड्स ये रहे वो 2 डोनट्स जो मैंने बनाया है, ये चॉकलेट वाला मतलब ब्लैक करंट और ये वाला है स्ट्रॉबेरी. तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक नया फ्लेवर जिसका नाम भी मेरे को नहीं पता. और फ्रेंड्स मेरे ना सुपर क्ले तो ये रहा, लेकिन मैंने कुछ सुपर क्ले इसमें भी रखा था जो मैंने मिक्स करके बनाया था. इसे ऐसे ऐसे स्क्विश स्क्विश करके खेलते हैं. और फ्रेंड्स अब इसको जो यहाँ डाल देते हैं. और आज मैं यूज़ करूँगी अपना लेवेंडर वाला जो मैंने ईवा की मदद से बनाया था. ईवा ने मेरे को ये बताया कि ऐसे मिक्स करने पे ये कलर बन गया लैवेंडर. और फ्रेंड्स लैवेंडर बनाने के लिए आपको ज़्यादा पिंक और ये क्या बोलते हैं ये वाला ये पिंक ज़्यादा और ये वाला पर्पल कम लेना है. ये आपको मिल जाएगा ये कलर एकदम मस्त लग रहा है. फ्रेंड्स कैमरा में तो ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, बाकी रियलिटी में तो ये इतना मतलब मस्त लग रहा है ना. और कैमरा में भी सही है मतलब. और फ्रेंड्स अब जल्दी से इससे हम बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें ले लेना है थोड़ा सा ब्राउन कलर. और ये ब्राउन मेरा ख़त्म होने वाला है. और फ्रेंड्स ये ले लिया ब्राउन पर इतना नहीं, थोड़ा और ये इतना सारा ले लिया, अब इतना नहीं थोड़ा कम करना ये. हाँ ठीक है थोड़ा कम कर देते हैं. और रंग दिए हमने ले लिया सुपर क्ले और थोड़ा लगता है. और रंग दिया भी ये रेडी है. और अब हम जल्दी से इसका बेस मतलब एकदम सॉलिड कर देते हैं. और उसके लिए मैं ये ले ली हूँ, इसके ऊपर हमें इसको राउंड 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 करके घुमाना है ताकि एकदम सुपर लगे. और फ्रेंड्स अब जल्दी से इसको टैप 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 करना है और वापस राउंड 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 करना है, फिर वापस टैप 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 करना है, फिर वापस राउंड 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 करना है, फिर उसके बाद हमारा बेस रेडी हो जाएगा. और फ्रेंड्स अब सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, हमें कोई टूथपिक या ये इस चीज़ की मदद से या हमें साथ में मिलता है सिर्फ 3 टूल्स मिलता है. फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ 3 टूल्स. ये हमें सुपर क्ले के साथ ही मिलता है फ्रेंड्स. और एकदम सही है, टूथपिक से बेटर है मतलब करने के लिए, क्योंकि अभी हमें थोड़ा मोटा सर्कल चाहिएगा. और वैसे तो मेरे पास टूथपिक्स भी है लेकिन मैं इससे करना चाहूँगी, मेरे को लगता है इससे बेटर होगा. और फ्रेंड्स अब हमें करेक्ट सर्कल ढूंढना है इसका और उसके अंदर एकदम सही एक लाइन बना दीजिए मतलब ऐसे डॉट, ताकि हमें पता रहे. और फ्रेंड्स फिर हमें एकदम बारीकी से इसके अंदर ये डालना होगा ताकि एक सर्कल मतलब चेन बन जाए जैसे हर डोनट में होता है. और फ्रेंड्स ये हर लेयर के बाद हमें एक बार करना होगा. हर लेयर का बारे में मतलब है ना बताऊँगी मैं आपको आगे चल के. और फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपका डोनट दिखेगा. उसके बाद फिर आप इसको थोड़े और बारीकी से एकदम सही कर लेना आपके हिसाब से. और फिर ये फाइनल लुक मेरे वाले का ये है. अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है हमें अपना कलर लैवेंडर लेना है. ये रहा मेरा लैवेंडर जिसमें से मेरे को एकदम थोड़ा ही लेना होगा. और फ्रेंड्स हाँ अगर आप ये सारी चीज़ें बनाए तो अभी हम जो बना रहे हैं उसको तो नहीं, अगर आप भी मेरे जैसे ऐसा क्ले ले हो ना खेलने के लिए स्क्वीज स्क्वीज तो उसको कोई ना एयर टाइट डिब्बे में डालना ताकि उसकी हवा वाला वो सूख ना जाए. तो फ्रेंड्स अब लैवेंडर फ्लेवर के लिए हमें थोड़ा सा लैवेंडर ले लेना है इतना सा फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स मैं लैवेंडर से यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लैवेंडर यूज़ करो, आप कोई और कलर यूज़ कर सकते हो. मैंने सोचा कि यार लैवेंडर यूज़ करते हैं इसीलिए. और फ्रेंड्स अब
हमें क्या करना है, इसको ना एकदम अच्छे से पतला काट देना है, कुछ इस प्रकार से इसको कट कर लेना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम जितना कम होना उतना कम ही लेना है ताकि सही रहे मतलब आगे चलते। और फ्रेंड्स फिर इसको थोड़ा दबाने के बाद, थोड़ा सा ज़्यादा दबाने के बाद हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे जैसे कि क्रीम हो, और फिर हमारा छेद ढक जाएगा लेकिन वो कोई नहीं। और फ्रेंड्स अब हमें कटर की हेल्प से साइड में कॉर्नर्स को ना थोड़ा लंबा छोटा कर देना है जैसे एकदम रियलिस्टिक लुक के लिए। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अब तो सोच के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी, अभी कुछ इश्यूज़ के कारण मैं अभी बना नहीं पाई थी फ़िलहाल वीडियोस, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और एग्ज़ाम्स में वीडियो बनाने जितना टाइम था ही नहीं। तो फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और टाइम ही टाइम है, तो हर दिन रेगुलर वीडियोस डालने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार का आपका डोनट लगेगा। और फ्रेंड्स फिर हमें क्या करना है, जो छेद हमने पहले बनाया था ना वो वापस बनाना है, पर हमें नहीं पता वो छेद हमने किधर बनाया था, मतलब करेक्ट सेंटर में बनाना था लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है, तो हमें इसको टर्न कर देना है। और जो बैक है उसमें हमें है ना जहाँ पे हमारा छेद किया हुआ होगा वहाँ पे हमें फिर से एक बार ये छेद कर देना है, फिर कुछ इस प्रकार आपका ये लगेगा। इसकी लुक थोड़ी ख़राब हो जाएगी लेकिन वो सही करने के लिए हमें क्या करना है, फिर वापस आगे से डालना है इसको, फिर वो सारा सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब इस प्रकार से आपका ये डोनट लगेगा। और फ्रेंड्स साइड में थोड़ी और नीटनेस ऐड कर देते हैं आप, क्योंकि वो आपकी नीटनेस थोड़ी अजीब सी मतलब ख़राब टाइप में हो जाएगी आप एक बार का ये छेद करोगे तो। हाँ फिर ये बन चुका है, तो अब जैसे ऐसे क्रीम डालते हैं ना तो वो चीज़ भी हम दिखाएंगे, और उसके लिए हमें चाहिए वाइट जो मेरा ख़त्म होने ही वाला है, और ये वाइट लेते हैं। और फ्रेंड्स अब जो ये वाइट है इसको मैं एकदम अच्छे से रोल कर लेना है, और पतली लेयर भी चलेगी मोटी लेयर भी चलेगी, और मेरा सजेशन है कि आपको थोड़ी पतली बनानी चाहिए, भले मोटी भी चलेगी, मेरे भी मोटी बन गई थी लेकिन मैं इस बार पतली ट्राई कर रही हूँ और मेरे को लगता है कि पतली बेटर होती है। तो इसको एकदम अच्छे से और ध्यान से आपको ऐसे कर लेना है, पतली मुश्किल से ही बनती है लेकिन पतली लेयर। और फ्रेंड्स इसे जल्दी से कुछ इस प्रकार लगा लेना है हमें, जैसे कि आप कोई क्रीम डाल रहे हो डोनट्स पे या किसी भी चीज़ पे। और फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार आपका लगेगा, और अगर आपको भी मेरे जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो क्या करें कि ये क्रीम को ऐसे हटा दो एक बार, फिर वापस से लेवेंडर कलर लेके इसके ऊपर एक कोट लगा दो। और फ्रेंड्स फिर से वो चीज़ करो जो हमने पहले की थी, सर्कल वापस बनाने के लिए जल्दी से बना लीजिए, और अब आपका फिर से लैवेंडर कलर में ट्रांसफ़र हो गया। फ्रेंड्स अब आप फिर से वो डिटेलिंग ऐड कर दीजिए एक बार, ताकि मतलब एकदम परफेक्शन रखे मतलब रहे। और फिर ले लीजिए थोड़ा सा वाइट कलर जो चीज हम पहले कर रहे थे वो करने के लिए, और ये रहा मेरा वाइट कलर। फ्रेंड्स फिर वही लेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिए पतली सी, और इस बार मेरी लेयर बेटर बनी है लास्ट टाइम से, और अब आपको लगा देना है इसको है ना कुछ ऑल्टरनेट में, मतलब ऑल्टरनेट क्या है ना जिगजैग में क्या अच्छे लगेगा, मेरा जिगजैग पैटर्न है, आप कोई भी पैटर्न में लगा दीजिए। और फ्रेंड्स अब हमारी थर्ड लेयर भी लग चुकी है, और जैसा मैंने आपको कहा था कि थर्ड लेयर से पहले ये हमें मतलब थर्ड लेयर के बाद हर स्टेप के बाद हमें ये होल फिर से बनाना है। तो फ्रेंड्स ये भी बन चुका है,
तो फ्रेंड्स अब हमारे डोनट रेडी हैं और फ्रेंड्स अब हमारे पास हो चुके हैं 3 डोनट्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डोनट्स अच्छे लग रहे हैं तो फिर इनको खाना मत चाहिए, जो बने हुए हैं आप भी ऐसे डोनट्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये रहे हमारे 3 डोनट, ये ब्लैक करंट है और ये स्ट्रॉबेरी है और ये लेवेंडर फ्लेवर है जिसका नाम मेरे को नहीं पता है। और अब इसको मैंने टुगेदर स्टिक कर दिया जिसको मैं वापस लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप और भी चाहते हो तो लाइक करना और फिर मैं और भी सुपरहिट वीडियोस बनाऊंगी और अपनी ये जो बाकी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई है सुपर प्ले से वो सब रिवील कर दूँगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।